हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जयंती सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जयंती सिंह ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं, क्योंकि मेरी एक नॉर्मल डिलीवरी है। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि किस तरह से आप लोग भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, जब मेरी जैसी एक सिंपल लड़की कर सकती है। तो एक्चुअली कुछ भी नहीं किया था, हम फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और कुछ पता भी नहीं था, कोई साथ में भी नहीं था। तो कहते हैं ना, दिमाग चलता है उठपटांग, तो बस कर लिया। और यकीन मानिए, जब मेरी आप स्टोरी सुनेंगे तो या तो मुझे पागल बोलेंगे या फिर बहुत फनी बोलेंगे, बट जो भी बोलेंगे आप सुनिएगा ध्यान से और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि एक्चुअली मैं क्या हूँ। तो मेरा जो वीडियो है, मेरा वीडियो है वो तीन पार्ट पे डिपेंड होगा। फर्स्ट पार्ट है वो है मेरा मिसकैरेज के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि आबू के टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी, उससे पहले दो बार मेरा मिसकैरेज हो चुका था और वो मिसकैरेज सच में बहुत ही पेनफुली और काफ़ी अजीब था। और उसके बाद आबू तीसरी मेरी प्रेगनेंसी थी, जिससे मेरे को आबू हुआ। और उसके आबू के बाद भी मेरे साथ ऐसा एक दो बार हो चुका है, मेरा जो मिसकैरेज हो चुका है, लेकिन मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। तो वो अनवांटेड जो है मेरी प्रेगनेंसी थी, तो वो मिसकैरेज हो गई है, तो मुझे उसका दुख नहीं है, इतना दुख नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहिए था तो वो गया। तो तो एक्चुअली हुआ क्या, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि एक्सपीरियंस से क्या होगा। देखिए, चीज़ होती है, एक इंसान खुद की गलती से सीखता है और एक सामने वाले की गलती से सीखता है। तो खुद की गलती से सीखने से अच्छा है कि हम सामने वाले की गलती से सीखें, तो हम अलर्ट रहते हैं उस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ें मैंने भी सीखी थी, कुछ चीज़ें मैंने भी देखी थी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ था, लेकिन तब हुआ जब वो चीज़ हो चुकी थी और उसके बाद मैंने जो है उस चीज़ पे ध्यान दिया था। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी मिसकैरेज स्टोरी आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मिसकैरेज का भी एक अपना ही एक अलग प्रोसीजर है, अगर आप ध्यान ना दें तो। और अगर आप एक बार उसे ध्यान दे देंगे तो आपका मिसकैरेज अगर होता रहता है तो नहीं होगा। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी का पता चला, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो आबू से पहले की थी, तो उसमें क्या था कि काफ़ी खुश थे हम लोग और मेरे पीरियड रुक गए थे। तो हम लोगों ने जो है किट से चेक किया था, घर पे ही चेक किया था, हमने कहीं बाहर जाके हॉस्पिटल वगैरह में चेक नहीं करवाया था। और जैसे फिल्म वगैरह में होता है, हम लोग खुश थे, हमने अभी किसी को नहीं बताया था। फिर हमारे घर पे उस टाइम हमारे जो मेरे हस्बैंड का है, वो फ्रेंड्स का बहुत आना जाना था, और मेरे हस्बैंड जो है वो अल्कोहलिक थे काफ़ी ज़्यादा। तो हमने अपने फ्रेंड्स को बताया, तो हमारे फ्रेंड्स ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। और इस तरह से जो है, कहते हैं ना कि एक स्टोरी होती है कि हमने एक फ्रेंड्स को बताया बस, हमने और किसी को नहीं बताना। तो और किसी को भी नहीं हमने बताया था, बस एक खास फ्रेंड था, हमने उसको बताया था, उसका नाम था विक्की त्यागी। और बस हम लोग जो है बस इस प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे थे धीरे धीरे करके। तो जब मुझे मालूम पड़ा, तब 2 महीने हो चुके थे। और फिर अचानक से क्या हुआ कि एक दिन हमारे घर में गेट टुगेदर था, 2 फ्रेंड्स और हमारे घर में थे। तो अचानक से खाना खाते खाते अचानक से मुझे वॉमिट हो गया उन लोगों के साथ सामने, मुझे जो फ्रेंड्स थे मेरे हस्बैंड के, उन लोगों के सामने मुझे जो है वॉमिट हो गया। मैं भागते हुए जो है बाथरूम में गई और मेरे जो हमारे जो फ्रेंड थे वो बोले, भाई ये क्या था, ये क्या हुआ भाभी को, क्योंकि अभी तो ठीक थी, उनको कुछ भी नहीं था, अच्छे से हंस गा रही थी, ऐसे कैसे। तो
फिर इस तरह की वॉमिटिंग जब होती है तो लोग अपने आप ही गैसिंग करने स्टार्ट हो जाते, तो उन्होंने भी गैसिंग करना स्टार्ट किया और फिर वो स्टार्ट हो गए, ओ हो भाई अब तो पार्टी होगी, हम चाचा बनने वाले हैं एंड ऑल दैट। बहुत खुश थी मैं। दो दिन के बाद, इसके दो दिन के बाद काफ़ी जो है टचिंग मोमेंट था उस में, तो एक दो दिन के बाद जो रात थी, रात आई तो रात में अचानक से जो है खाना वाना खा के हम लोग आराम से सो रहे थे, तो तकरीबन 12:30 कुछ इस तरह के पेन बहुत लेट नाइट ही होते हैं, तो मुझे पेन स्टार्ट हुआ और मैं काफ़ी परेशान हो रही थी, तो मैंने इनको कई बार बोला मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। ये बोले कि ठीक है अभी आराम कर, सुबह होते ही डॉक्टर के पास चलेंगे, और होपफुली उस टाइम पे मेरे पास कोई टैबलेट नहीं था एंड ताकि मैं टैबलेट खा लूँ, वैसे भी प्रेगनेंसी में कोई टैबलेट नहीं खाया जाता है आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जब दर्द होता है इंसान तो कुछ तो करता ही है। पूरी रात परेशान थी, पूरी रात नहीं सो पाई, तो सुबह 4-5 का टाइम अच्छे से अच्छा आदमी सो जाता उस टाइम पे, और मैं पूरी रात की जगी हुई थी तो मैं सो गई उस टाइम पे, और फिर जब मेरे हस्बैंड उठे, उनका टाइम हुआ ऑफिस जाने का, तो वो अपना उठे और उन्होंने देखा कि मैं बहुत गहरी नींद में सोई हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वो अपना रेडी वगैरह हुए, चाय भी नहीं मांगी और ना लंच वगैरह, तो हमारा जो गेट था कुछ इस तरीके का था कि जो लोग घर के लोग को पता था कि वो अंदर से भी बंद हो सकता है और बाहर से भी, कुछ इस तरह का सिस्टम हो रखा था, वो ऑटोमेटिकली नहीं था, कुछ इस तरह का हो रखा था, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बंद करके वो चले गए, उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ देर बाद तकरीबन आधे एक घंटे के बाद कुछ बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ एंड इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ कि मैं बस पकड़ के रह गई अपना पेट, और कुछ ऐसा लगा कि बस बह गया, कुछ अपनी बॉडी से निकल गया और मैं भाग कर बाथरूम में गई एंड मेरा मस्कारा छोड़ गया। मैंने बच्चे को देखा और मैं शॉक हो गई, एकदम एकदम शक हो गई कि ये क्या हो गया, और मैं बस शॉक में थी, एकदम शॉक में, और पेन की तो आप पूछे ही मत कि कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग, मैं जो हूँ वापस अपने बेड पे आई, कुछ सेफ्टी के ले लिया और आंसू बस बहे जा रहे थे। उसके बाद फिर मैं, मेरे जो मेरा एक भांजा था जो हमारे साथ उस टाइम पे रहता था, भतीजा सॉरी जेठ जी का लड़का, तो वो नाइट ड्यूटी क्या करता था, वो आया तो मैंने उसको बोला कि बेटे, उसका नाम था रवि, मैंने उसको बोला बेटा अपने चाचा को फ़ोन करो और उनको बोलो कि घर पर आएँ, और चाची की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था और उसके बाद भी फ़ोन नहीं था, तो वो गया और उसने लैंडलाइन से कॉल किया और मेरे हस्बैंड स्टक आउट, लेकिन वो उसी टाइम नहीं आए। इस बात का दर्द मुझे आज तक है। वो आए तकरीबन रात के 10-11 सब कुछ ऐसा लगा जैसे उजड़ गया हो, उजड़ गया था। इसके बाद से थोड़ी प्रॉब्लम आई हम लोगों के बीच, नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़ी बात हो जाती है तो थोड़ा
माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं काफ़ी दिन जो है डिस्टर्ब रही, काफ़ी दिन परेशान रही और कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूँ। ऐसा लगता है बस सब कुछ उजड़ चुका है और कुछ नहीं बचा। तो कुछ ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ख़त्म हो गया, लॉस हो गया है, रोना आ रहा है। बट आप रोने के फ़ायदा क्या है, और वैसे भी सब ठीक है। उसके बाद इलाज चला मेरा, काफ़ी इलाज चला, और क्योंकि इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि मेरा मिसकैरेज हुआ था तो कंसीव तो हो जाता था, ठीक है, कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसको रखने में। तो वो जब भी कंसीव होता और वो फिर अबॉर्ट हो जाता था, तकरीबन ऐसा 2 बार हुआ। तो फाइनली पता किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे अंदर डॉक्टर ने बोला कि सफाई वफाई करवानी पड़ेगी। कई कई लोगों ने बोला सफाई वगैरह करवानी पड़ेगी, बट सफाई का नाम सोच के ही, क्लीनिंग का नाम सोचते ही ना थोड़ा डर सा बैठ जाता था मन में कि यार ये कैसे किया जाएगा और कैसे होगा। मैं काफ़ी इस चीज़ को लेके परेशान थी। तो एक डॉक्टर थे, मेरी ननंद ने सजेस्ट किया था, फिर वो वहाँ पर लेके गए थे। और इसकी वजह से मुझे पेन बार बार उठता था, इसकी वजह से मुझे अचानक से कभी भी पेन हो जाता था, रात हो रही है, शाम हो रही है, दिन हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि हम इनको एक इंजेक्शन देते हैं कमर पे, उस इंजेक्शन से जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ क्लियर तो फिर क्लीनिंग ही करनी पड़ेगी, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे वो कमर पे वो इंजेक्शन दिया, उसके 4-5 घंटे के बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए, और उस पीरियड में जो है एक पीस निकला जो तकरीबन एक बेर के साइज़ का था, एक बेर के साइज़ का पीस था। वो हो जाने के बाद, फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद मुझे कभी पेन नहीं हुआ। अब बात थी कि अब क्या। तो उसके बाद फिर हमने पहले तो डॉक्टरी कंसल्ट लिया, मुझे तो कुछ 10 दिनों तक दवाइयाँ लेनी थी क्योंकि वीकनेस काफ़ी आ चुकी थी, खुद बॉडी एकदम वीक हो चुकी थी। तो उस बॉडी में थोड़ा बल दिया, स्ट्रॉन्ग किया बॉडी को, उसके बाद देन वी अगेन आई एम प्रेग्नेंट। और गेस व्हाट, फिर से मुझे पेट में दर्द हुआ, वो भी रात को ही हुआ। लेकिन मैंने टैबलेट अभी भी नहीं ली, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग हुई मैंने अपने हस्बैंड को काम पर नहीं जाने दिया और उनको लेके सीधे मैं डॉक्टर के पास गई। और मैंने अपने हस्बैंड को रात को ही मैंने बोल दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कोई चेक नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तू कैसे कह सकती है कि तू प्रेग्नेंट है, ये नॉर्मल पेन। मैंने कहा नहीं, इस पेन को मैं पहचानती हूँ, ये पेन पिछले 2-3 बार मुझे हो चुका है, इस पेन का मुझे एक्सपीरियंस है। तो ये पेन प्रेगनेंसी वाला पेन है जो मुझे हर बार होता है, और मैं तो जैसे 100% श्योर थी कि वही वाला पेन है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक और वजह थी, मेरे 10 दिन स्किप हो चुके थे पीरियड में, 10 दिन, जी हाँ। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, पेन अभी भी हो रहा था, और मैंने डॉक्टर को जाके सारी बात क्लियरली बता दी और मैंने कहा कि प्लीज़ मेरे बच्चे को सेव करो, मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसे सेव करो, मुझे चाहिए ही चाहिए। देन डॉक्टर बोले ओके यू आर ओके तो यू चेक। मैंने चेक नहीं किया, तो फिर उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद गेस व्हाट, आई एम प्रेग्नेंट, पॉजिटिव निकला इज रिजल्ट।
एंड मेरे हस्बैंड शक कि तुझे कैसे पता। मैंने कहा भाई ऐसे ही है। स्टार्ट से ही हमने डॉक्टरी इलाज लिया फिर, और कई जगह हमने जो है अपना इलाज करवाया। और स्टार्टिंग के 3 मंथ हमने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवाया, और जब 3 मंथ हमारे हो गए, और 3 मंथ होने के बाद 3 मंथ होने के बाद फिर मैंने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना जो है अपना सारा चेकअप मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया। बहुत सारे रीजंस थे, सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि अफोर्डेबल होता है, हर कोई जो है उसे अफोर्ड कर सकता है, कुछ भी नहीं हमारे लगता है तो। और दूसरा चीज़ है कि प्राइवेट वालों पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम था, क्योंकि मैंने कईयों के सुना था कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, 100% नहीं रहता। और हमारे उस टाइम भी इतने अच्छे हालात नहीं थे कि हम इतना ज़्यादा जो है स्पेंड कर सकें, तो हाँ इसी वजह से हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है चूज़ किया। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ किया और हम वहाँ गए, तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, क्योंकि मैं इससे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी नहीं देखा था मैंने अंदर से कि वो कैसा होता है। और साथ के साथ ये भी डर रही थी मैं कि मैंने बहुत सा सुना था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि इस तरह से बात करते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। ट्रस्ट मी 3 महीने के बाद सब कुछ मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी बहुत अच्छी देखभाल हुई है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई है, हमेशा बढ़िया चेकअप हुआ है। मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़रूर ट्राई करें। और चीज़ का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अगर प्रेगनेंसी का मामला है तो आप ज़रूर जाइए, बहुत सही। तो ये था मेरा जो है मिस कैरेज स्टोरी, और अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि क्या है मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी उसके बाद, और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो आप ज़रूर मेरे साथ रहिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ जो है सारी चीज़ें शेयर करूँगी डिटेल में, अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी, अपने जो जब मेरा आबू मेरे पेट में था मैंने क्या क्या चीज़ें की, कैसे कैसे की, कैसे मैंने सब कुछ हैंडल किया, बहुत कुछ है जानने के लिए, यकीन मानिए, और ये सब आपको काम आने वाला है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी, और मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। सो टेक केयर, बाय।